Honeycomb's Kitchen. So I'm going to cook today spicy dry chicken for you. So let's note the ingredients. Come with me. Turmeric, tomato, soya sauce, garam masala, chopped onion, dry red chilies, salt, bay leaf, black pepper, cumin powder, ginger garlic paste and 400 grams of chicken जो हल्दी में मैरिनेट करके हमने रखा है। अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसको बहुत गर्म होने देंगे। इस पे जाएगा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इस तेल को हम गर्म करने के लिए रख रहे हैं। तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो हल्दी और नींबू के साथ हमने सिर्फ मैरिनेट किया था फॉर जस्ट हाफ एन आवर। इसको हम गरम तेल में डाल देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा ये कढ़ाई गर्म होने की वजह से ज़्यादा चिपके नहीं। तो अच्छी तरह से हम चला लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक। नमक से सीजन करेंगे और डालेंगे इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर। दो टी स्पून के हिसाब से हम डालेंगे। इसको डाल के हमें चिकन को थोड़ा पकाना है। ताकि इसकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे और थोड़ा टेंडर हो जाए। ये देख रहे हैं आप, इसमें से काफ़ी स्टॉक निकल आई है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ये अभी हम तेल लेंगे वापस। लगभग 2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च। जैसा कि मैंने कहा ये स्पाइसी ड्राई चिकन है तो काफ़ी स्पाइसेस जाएंगे इसमें। 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे तरह से भून लेंगे। अब जाएगा इसमें क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला और चॉप्ड अनियन भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है जिंजर गार्लिक और अनियन का, जो फ्राई होने का जो स्मेल आता है
अब ये भुन चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे हाफ कुक चिकन जो हमने पहले से अलग करके रखा था और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। इसके बाद जाएगा थोड़ा और गर्म मसाला, एक चम्मच सोया सॉस, ब्लैक पेपर, नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी हमने डाला। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो, और ये हमने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो दो चम्मच पानी के साथ घोल के रखा है, ये हम लास्ट में डालेंगे जब ये सब ये चिकन जब पक जाए, ताकि इसके जो मसाला है इसमें इंटैक्ट रहे और हमें एक अच्छा टेक्सचर मिलता है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। और फाइनली आपका स्पाइसी ड्राई चिकन इज रेडी। Guys, your spicy dry chicken is ready. It's time to taste. टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा बना है। टेंडर एंड प्रॉपर ब्लेंड ऑफ जिंजर एंड गार्लिक, मसाला प्रॉपरली ब्लेंड है एंड द एरोमा इज ऑसम। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टुडे, आप भी एंजॉय करिए रोटी या राइस के साथ, मैं तो चलिए एंजॉय करने। बाय।